पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 12 फरवरी को बिहार में फ्लो टेस्ट था। फ्लो टेस्ट में एनडीए सरकार ने अपनी बहुमत साबित की और नीतीश सरकार की जो सत्ता है वो बिहार में काबिज रही। इसी को लेकर अब बिहार में सियासत गरमाई हुई है और इसी पर जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो नीतीश कुमार है उन्हें अपना हवाई महल बनाने दीजिए, लेकिन जो ये 42 विधायकों का जो जमा पूंजी है वो अगले विधानसभा के साथ जो है वो बदल सकती है। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार को पूछता कौन है, ये तो बिहार में आप लोग हमारे चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो हम लोग को इन पर बोलना पड़ता है। आप किसी दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई इस बात का संज्ञान भी ले रहा है क्या कि कौन है नीतीश कुमार। आप जरा ये समझिए कि नीतीश कुमार क्या ऑफर कर सकते हैं किसी दल या गठबंधन को। इनके पास कोई इतना बड़ा ये चेहरा है नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली पोजिशनिंग है नहीं, हर 6 महीना पे पलटते हैं। पूरे देश में इनका नाम है पलटू राम। दूसरा, इन्होंने गवर्नेंस के स्तर पर पूरे देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। तो ऐसा तो होगा नहीं कि केरल का आदमी कहेगा कि केरल को बिहार के जैसा बनाना है इसलिए नीतीश कुमार को नेता मान ले। तीसरा, दल की सुनो मेरी बात, आप दल की आपकी ताकत है नहीं, कुल जमा पूंजी आपकी 42 विधायकों की है, तो ना आपके पास राजनीतिक काबिलियत है, ना आपका इमेज है, ना सुशासन गवर्नेंस है, किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा। ये तो नीतीश कुमार ऐसे हवाई किला बनाते रहते हैं और जब वो नहीं मिला तो तुरंत पिछले दरवाजे से भागा भाजपा की ओर। और आपको एक और घोषणा कर देता हूं, अगले विधानसभा से पहले, इसको भी आप लोग चला दीजिए कोट करके, ये फॉर्मेशन फिर बदलेगा, इसको भी लीक कर दे देता हूं। आज जिस फॉर्मेशन में बिहार में व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगले विधानसभा से पहले ये परफॉर्मेंस फिर बदलेगा, इसको मैं लिख कर देता हूँ। आज जिस परफॉर्मेंस में बिहार में जो व्यवस्था है, जिसमें नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है और दूसरे साइड आरजेडी है जिसे सपोर्ट कांग्रेस कर रही है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं होगा। देखिए, जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगभग 17 महीनों से अपने पदयात्रा पर निकले हुए हैं और जैसे ही फ्लो टेस्ट का रिजल्ट आया इसके बाद नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा तक जो है जो 42 विधायकों का जमा पूंजी है वो फिर से बदल सकता है। आप किस वीडियो पर कह रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।